अद्वैत में पारमार्थिक सत्य नहीं है, उदाहरण के रूप में काफी भी कुछ नहीं है। युक्ति वगैरह समझाने के बाद ये स्तुति भक्तों के आधार पर अनुभव युक्ति दे रहे हैं। तो कहेंगे भाई हमारा तैतृय उपनिषद उपनिषद में जो पंचकोश के बारे में विवेचन किया गया है, लेकिन करके पंचकोश को विशेष करके समस्त कोश का आविष्कार युक्ति करते वही पारमार्थिक सत्य ऐसा दिखाया गया। और केवल इतना ही उपनिषद प्रतिपा का विषय है, जो ब्रह्म है वही जीव है, जीव ब्रह्म है ये बोलना ठीक है, जो ब्रह्म है वही जीव है ये बोलना ठीक है। क्या बोलते व्यावहारिक दृष्टि में जीव कैसे दिखाई पड़ते हैं और ब्रह्म को मतलब जीव को उद्देश्य करके ब्रह्मत्व को दिनांक करता है, परंतु पारमार्थिक दृष्टि में क्या ब्रह्म के मात्र है, ब्रह्म ही जीव रूप में प्रतीत। तो इस प्रकार से यहाँ के पंचकोश के बारे में कथन करने के बाद फिर यह मथुरा मत को लेके बोले थे वेदांत उपनिषद में, द्वयोर् द्वयोर् मधु ज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम् पृथ्वी ज्ञानोदये चैव यथाकाशं प्रकाशितः। पृथ्वी भी जीव के लिए मधु है और जीव भी पृथ्वी के लिए मधु है। इस प्रकार से इन परंतु इन दोनों मधु के अंदर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है वो भिन्न नहीं है, वही सत्य वही पारमार्थिक सत्य वही ब्रह्म है ना। इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम ऐसा करके सुबोधते हैं, यही जो है अमृतत्व प्राप्ति के लिए हेतु है। ये अमृत रूप है, आनंदमय है, यही ब्रह्म है, यही व्यापक विषय व्यापक असंत है, यही सब रूप में दिखाई पड़ता है, यही सब रूप में प्रतीति होता है। इस प्रकार से वहाँ पर प्रतिपादन किया, जैसे हमारे यहाँ दिखाई पड़ता है पृथ्वी के ऊपर जो आकाश है और हमारे पेट के अंदर हृदय के अंदर वही आकाश है, आकाश का भिन्नता नहीं है, उपाधि के कारण ही परिच्छिन्न रूप में प्रकृति मात्र होती है। पृथ्वी में हम उधर है पृथ्वी में और हमारा गठन जो आकाश दिखाई पड़ता है दोनों में भिन्नता नहीं है, एक ही है। इस प्रकार आकाश वहाँ पर एक ही आकाश प्रकाशित है, इसी प्रकार से समस्त जीव का जब आकाश का जिसको छूटा हो जाए आत्मा उसका दर्शन प्रकाशित है। इसका पूरा भाष्य टीका पढ़ी है, एक टिप्पणी छुपा हुआ था है ना कि शब्दस्व कचु आश्रित रूपवत अन्य शब्द एक गुण है, इसलिए गुण किसी न किसी द्रव्य के आश्रय में रहेगा। इस प्रकार रूप जो है किसी द्रव्य के आश्रय में द्रव्य का रूप होता है, इसी द्रव्य का रूप होता है। इस प्रकार रूप एक गुण है द्रव्य के आश्रय में रहते हैं, इसी प्रकार शब्द भी एक गुण है तो वो भी किसी का आश्रय में रहना चाहिए। तो कौन सा आश्रय में रहेगा, उसके पास नौ द्रव्य है, नए उसी सिद्धांत में कितना द्रव्य है, नौ द्रव्य है। तो कौन द्रव्य में गुण रहे जो शब्दात्मक गुण रह सकते हैं उसको लेकर के अनुमान किया गया। देखो सात्म शब्दस्व कचित आश्रितत्वम भूगत अनुमीयते तच्च शब्द अधिकरणम सामान्य सिद्ध विषय का शब्द होता है। शब्द का शब्द कोई एक अधिकरण में रह के सामान्य तो शिष्य हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, परंतु इस नौ द्रव्य में कौन उसका अधिकरण है उसको विशेष करके बारिश आकाश में दी। बारिश कैसे हो गया, क्योंकि काल दिशा मन और आत्मा में शब्द गुण नहीं रह सकते, और यह बाकी जो द्रव्य है वो देखिए उनका आश्रय है, परंतु वो वहाँ पे स्पर्श गुण है, रूप गुण है, रस गुण है, गंध गुण है। अब जब एक सब द्रव्य में एक द्रव्य में एक ही गुण रहता है, इसीलिए उसका स्वरूप गुण होगा कि अथवा उसका परमात्मा के रूप में, तो आकाश भी ऐसे ही आकाश भी किसी गुण का आश्रय होगा। तो अब शब्दों का कहीं रहने का जगह नहीं है, इसलिए कहे तो आकाश ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं दिखाई पड़ता है, परंतु जहाँ कहेंगे आकाश हमें जो शब्द उत्पन्न है, शब्द के आकाश में बिना शब्द उत्पन्न होना संभव नहीं, क्योंकि इतना हम लोग बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं दिन भर, एक जठरा के अंदर से आकाश खाली स्थान है, एक मुंह करके खाली स्थान है, वहाँ से वायु टकराता है, फिर इस प्रकार आवाज निकालती है। तभी देखिए सात नंबर टिप्पणी, शब्द पुनः चक्षु ग्रहण अयोग्य के सभी बहिर्विद्य ग्राह्य जाति मंत्रा मेरा टिप्पणी है क्या ही कह करो आप कितना भी जो है यहाँ पे यहाँ पे आप कहते हैं क्या आवाज़ भर रहा है, बता मेरे को, कान बंद करके रखो और आँख
आपको बार बार गुरु वहाँ पे क्या आवाज़ हो रहा है मेरे को बता, आप बताएंगे कि नहीं देगा, नहीं देगा। यहाँ पे है छोटा सा आपको करेक्शन करना है माँ के अयोग्यत्य आकार की मात्रा लगाना पड़ेगा। शब्दस्थिति शब्द गुण चक्षु ग्रहण अयोग्यत्य शब्द आकार का मात्रा लगाओ। चक्षु ग्रहण अयोग्यत्य टिप्पणी में जो पहले मिला है ना, मतलब चक्षु रूपी द्रव्य जो है उसके द्वारा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण व्यंग नहीं होते हुए शब्द एक गुण है परंतु चक्षु रूपी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होते हुए ग्रहण होने का योग नहीं होते हुए परंतु वो इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण किया जाता है उस प्रकार जाति वाला है वही इंद्रिय ग्राह्य जाति मतलब है ना बाहर जिसको वही इंद्रिय बोलते हैं चक्षु कर्ण श्रोत्र घ्राण नेत्र ये सब जो है बाहरी इंद्रिय मतलब बाहरी विषय को प्रकाश करते हैं। ये शब्द एक ऐसा ही बाहरी बहिर् इंद्रिय ग्राही जाति मतलब बाहरी इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है उस प्रकार जाति वाला होने के कारण ठीक है। शब्द एक गुण है वो चक्षु ग्रहण और जो व्यक्ति से शब्द को पक्ष बनाया है और गुण को आपको साध्य बनाया और वो गुण कुछ ना किसी द्रव्य के आश्रय में रहेगा इसलिए क्या शुद्ध होगा जब गुण है तो किसी किसी द्रव्य का आश्रय में रहेगा और उस द्रव्य को शुद्ध करेंगे आकाश में। परंतु वो भी ऐसा गुण है जो चक्षु के द्वारा ग्रहण का योग्य नहीं है ऐसा गुण है चक्षु के द्वारा ग्रहण योग्य नहीं है परंतु बाहरी किसी इंद्रिय चक्षु श्रोत्र चक्षु श्रोत्र घ्राण योगेंद्रिय रसनेन्द्रिय पांच बाहरी विषय को ग्रहण करते हैं शब्द स्पर्श रूप स्कंध उस प्रकार जाति वाला होने के कारण उसका कोई ना कोई द्रव्य आश्रय होना चाहिए इसलिए बोलते वही इंद्रिय जाति मतलब स्पर्श जैसे स्पर्श व स्पर्श एक गुण है वो वही इंद्रिय ग्रहण होता है अनुमान है ना इस प्रकार अनुमान के द्वारा शब्द गुणत्व सिद्ध शब्द एक गुण है ये सिद्ध हो जाने पर शब्द कथित आश्रित गुण किसी ना किसी द्रव्य के आश्रय में रहेगा इसलिए शब्द रूपी गुण भी किसी के आश्रय में रहेगा गुण कभी भी द्रव्य को छोड़कर के नहीं रह सकता इसलिए क्या बोलते हैं कि शब्द वहाँ पे कौन कर देना शब्द गुण चक्षु ग्रहण और जो व्यक्ति शक्ति बहिर्ग्रह जाति मत्ता के पूरा हेतु है ना एक सत्यम ये विशेषण था विशेष प्रकार है भले कि इंद्रियों का ग्रहण करने वाला जितना विषय है उस प्रकार जाति वाला होने के कारण स्पर्श होगा इस प्रकार स्पर्श जो है कभी इंद्रियों के द्वारा कार्य होता है चक्षु इंद्रियों के द्वारा कार्य नहीं होता है क्योंकि अनुमान ही ना शब्द से गुणत्व सिद्ध शब्द एक गुण है ऐसा सिद्ध हो जाने पर तब क्या होगा दूसरा अनुमान कर रहा है शब्द क्वचित अश्रुत गुणत्व दुर्भव ठीक है ना शब्द किसी न किसी एक द्रव्य के आश्रय में रहेगा गुण होने के कारण जैसा रूप ठीक है ये भाषा को केवल आप समझ लीजिए शब्द को अर्थ शब्द किसी न किसी के आश्रय में रहेगा क्योंकि एक गुण है जैसा रूप किसी द्रव्य के आश्रय में रहेगा सामान्यतः शब्द अधिकरण सिद्धम शब्द कोई ना कोई अधिकरण में रहेगा सामान्य रूप से ये सिद्ध हो जाएगा सामान्यतः शब्द शब्द किसी अधिकरण में रहेगा ये सिद्ध हो जाएगा शब्द न स्पर्श व विशेष गुण स्पर्श में जैसा गुण है ऐसा गुण शब्द में नहीं है ना स्पर्श क्या करना पड़ेगा आपको द्रव्य को पकड़ना पड़ेगा तब अंतर है कि धर्म शब्द ऐसा नहीं है दूर का वस्तु जब तो सुनाई देता है इसीलिए यदि स्पर्श जैसा होता तब तो आप उसको जब धर्म पकड़ करके आप समझ सकते थे पकड़ करके आपको खींच करके प्रश्न डाल करके तब आप समझ सकते थे बल्कि ऐसा होना संभव नहीं है शब्द न स्पर्शवत विशेष गुण शब्द स्पर्श की तरह एक विशेष गुण नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं अब एक और अनुमान कर रहे अग्नि शब्द के लिए किसको पक्ष बनाया है शब्द न स्पर्शवत विशेष गुण नहीं हो गया साध्य शब्द को पक्ष बनाया और शब्द स्पर्श के तरह विशेष गुण वाला नहीं है अग्नि संयोग असमवाय कारण तो अभाव सभी अकारण गुण प्रत्यक्ष ठीक है सुख आपको समझ में आता है सुख आपको समझ में आता है परंतु सुख जो है मतलब क्या बोलते अग्नि संयोग के द्वारा मतलब जिस प्रकार किसी द्रव्य में आग लगा दिया आपने वो आग लगाने से रूप लिखेगा मतलब उस वस्तु का परंतु सुख तो उससे समझ में नहीं आता वो जब आप उसको त्वेंद्रियों को स्पर्श करके ठंड के समय शुरू करो अलग बात है परंतु आंख जो है अग्नि संयोग असमवाय कारण अभाव जब इस पद को क्यों दिया
पापज रूपादो व्यभिचार कारणाय सत्य सत्य पहले तो सत्य मतलब सत्य से पहले जो है ना अग्नि संयोग समवाय असमवाय कारण अभाव सत्य इसलिए जो पद दिया बनी मतलब रूप में आपका ये अनुमान लीजिए वर्ग लक्षण न जाए जाके ना बैठ जाए अनुमान का अतिव्यक्ति ना हो जाए यहाँ किसके बोलते अनुमान व्यभिचार ना कर जाए आप इसलिए बोल रहे हैं इस पद को दिया अग्नि संयोग असमवाय कारण अभाव सत्य अग्नि के संयोग से जो रूप उत्पन्न होता है उस प्रकार अग्निशंजक असमय जिस पर तत्व संयोग को पट के प्रति असमय कारण मानते स्वरूप प्रत्यक्ष प्रति अग्निशंजक भी असमय कारण है एक प्रकार अकारण गुण अकारण गुण मतलब जिस प्रकार ये पट के जो रूप है ये पट के रूप किसके किसके कारण दिखाई पड़ते हैं पट के रूप के कारण क्या है तंतु रूप पट के प्रति कारण है इस प्रकार हमारा शब्द जो गुण है वो किसी किसी के खास मतलब कारण से आपको सुनने के लिए बात नहीं है तो अपने आप में गुण कारण और प्रत्यक्ष इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य हो जाए प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय ग्राह्य होने के कारण सुख पद सुख जैसे अपना मन के द्वारा ग्राह्य होता है क्योंकि इसको समझाने के लिए इंद्रिय जो आपको हेतु दिया है हेतु में क्यों इतना पद दिया उसको समझाने के लिए बोलता है पापज रूपादो व्यभिचार वारणाय मतलब रूप में व्यभिचार को निषेध करने के लिए सत्य अंतर मतलब अग्निशंजोग असमवाय कारण आपको यहाँ पे किसको दिखाना है शब्द रूपी गुण किसी का आश्रय में है तो रूप किसका आश्रय में है वहाँ पे वहाँ पे जाने से काम नहीं चलेगा उसको निषेध करने के लिए अग्निशंजोग असमवाय कारण प्रभाव की बात और पट रूपादो व्यभिचार वारणाय पट रूप के लिए हेतु होता है तंतु इसलिए होता है अकारण गुण कारण गुण से नहीं आए कारण गुण से अकारण गुण किसी कारण से गुण नहीं है शब्द से जान बोलते अकारण गुण पट उपाधो व्यभिचार वारण पट उपाधि व्यभिचार को निषेध करने के लिए ये गुण है ना अकारण गुण अच्छे से बोलते पट उपाधो व्यभिचार वारण कारण आए अकारण गुण पूर्वक ये पहले लिखा फिर जो प्रत्यक्ष जलीय परमाणु ठीक है अब जल में रस है जल जल परमाणु में जाकर शब्द न बैठ जाए इसलिए यहाँ उसको निषेध करने के लिए प्रत्यक्ष इंद्रिय ग्राह्य वस्तु होता है इंद्रिय गम्य वस्तु होता है प्रत्यक्ष ये पद दिया हुआ है प्रत्यक्ष इंद्रिय अच्छा ठीक है तो शब्द तो आपको क्या हो गया जहाँ पे स्पर्श रहता है वहाँ नहीं बैठ पाएगा जहाँ पे रूप रहता है वहाँ नहीं बैठ पाएगा जहाँ तंतु वहाँ नहीं बैठ पाएगा ठीक है आपके पास देह काल मन आत्मा तो है वहाँ पे बैठो शब्द को तो वहाँ क्यों नहीं बैठ पाते इसलिए बोलते शब्द ना दीप काल मन संपूर्ण शब्द दीप काल मन के गुण नहीं हो सकता क्यों विशेष गुणत्व रूपण रूप जैसा विशेष रूप में ही आश्रय करके रहते हैं इसी प्रकार से शब्द है अभी आत्मा में भी नहीं बैठ सकता क्योंकि वही इंद्र आत्मा के प्रयोग करने के वही इंद्र उसके द्वारा ग्राह्य होने के कारण अपने आप अपने को ग्रहण नहीं कर सकते इसलिए बोलते हैं ना कि आत्मा विशेष गुण हो आत्मा का भी विशेष गुण नहीं हो सकता आत्मा का विशेष गुण क्या है नौ बुद्धि सुख दुख इच्छा देश धर्म धर्म प्रयत्न संस्कार है ना ये आत्मा का विशेष गुण है ये भी गुण नहीं हो सकता क्यों बहिर्ंद्रिय बहिर्ंद्रिय द्वारा ग्रहण युक्त होने के कारण रूप के समान रूप जैसा बाहरी इंद्रिय द्वारा ग्रहण होता है इसलिए वो आत्मा में तो आत्मा को निरूप मानते हैं धर्म धर्म कहाँ बोल रहे आप तो शब्द को लेकर के बोल रहे हैं आप क्या सिद्ध करना चाहते शब्द एक गुण है वो किसी द्रव्य के आश्रय में रहना चाहिए ये तो कहना चाहते हैं यहाँ पे जैसे ना कि आत्मा विशेष रूप इस प्रकार रूप बाहर इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है इसलिए रूप आत्मा में नहीं है इसी प्रकार शब्द भी बाहर इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है इसलिए शब्द आत्मा को नहीं है ये कहना चाहते हैं है ना उसका शब्द प्रयोग सही थोड़ा भिन्न है यही है जिस प्रकार रूप नामक जो गुण है वो बाहर इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है इसलिए वो आत्मा का गुण नहीं है कि किसी प्रकार शब्द भी बाहर इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है इसलिए वो आत्मा का गुण नहीं इसको नहीं हमारे यहाँ पे प्रसंग किस लिए आया प्रसंग ये आया किस प्रसंग पृथ्वीम उदर यथा आकाश प्रकाशित आकाश शब्द आप शब्द गुण है पृथ्वी के ऊपर आकाश देखते हैं तो आप ये जो अंदर जो आकाश है आपको समझ में कैसे आएगा
आपका शरीर के अंदर आकाश है, आपको समझ में कैसे आएगा? यदि जो गुण आकाश में रहता है वो है, जो गुण आकाश में रहता है वो गुण यदि शरीर के अंदर कहीं आपको दिखाई दे तब आपको समझ में आएगा यहाँ भी आकाश है। इस प्रश्न को लेकर के बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे ऐसा यह की आवाज आपको सुनाई दिया, तो ये जो सुनाई दिया इसका मतलब यहाँ से ये जो लकड़ी में भी आकाश है और इस स्पेस में भी आकाश है और आपका कंकर में कुहर में भी आकाश है, तब जाके आपको सुनाई देगा। अब प्रसंग ये हुआ, आपने क्या बोला, पृथ्वी के ऊपर जो आकाश है, पेट के अंदर जो आकाश है, आप पेट के अंदर आकाश है कैसे समझ में आएगा आपको? तो आकाश का जो गुण है वो गुण यदि हमारा पेट के अंदर से आता है तो ऊपर से नीचे से दोनों जगह शब्द निकलता है, यानी कि अंदर आकाश है। इसको समझाने के लिए एकता प्रयास कितना प्रक्रिया है, इसीलिए हम बोलते हैं जलीय परमानंद परमानंद रूप व्यभिचार वारणा है प्रत्यक्ष। जलीय परमाणु में इसका व्यभिचार ना हो जाए, इसका होता प्रत्यक्ष मतलब वो इंद्रिय गम्य है, परमाणु इंद्रिय गम्य नहीं है, परमाणु इंद्रिय गम्य नहीं है, परंतु शब्द गुण इंद्रिय गम्य है, शब्द गुण इसके रूप है। और शब्द ना दीप काल मन संगुण, शब्द दीप काल मन अपना इसका दीप काल और मन यहाँ तीन को लिया, इसका गुण नहीं हो सकता, नहीं तो विशेष गुणवत्त रूपवत रूप जैसा आपका दीप में काल में मन में रूप नहीं रहता, इसी प्रकार से शब्द तो वहाँ पे नहीं रह सकता क्योंकि विशेष गुण होने के कारण विशेष गुण किसी विशेष रूप में नहीं रहता। तो आत्मा का गुण मन होता, आत्मा भी नहीं हो सकता ना कि आत्मा विशेष है गुना, क्योंकि बहिर्द्रियुक्त होने के कारण जैसे रूप आत्मा को लोग निरूप मानते हैं और आत्मा के द्वारा शरीर से भिन्न रूप दिखाई पड़ता है, किसका शरीर का रूप दिखाई पड़ता है, आत्मा का रूप दिखाई पड़ता है, रूप के यहाँ पंचभूत का है, पंच आकाश इसमें है, उसमें इस विज्ञान बोलते हैं वही इंद्रिय ग्रहण रूपवत, जैसे रूप बाहरी इंद्रियों की तरह ग्रहण होता है इसी प्रकार शब्द ही बाहरी इंद्रियों की तरह ग्रहण होता है, इसलिए आत्मा का गुण ये नहीं हो सकता, शब्द आत्मा का गुण नहीं हो सकता। इत्थम इस प्रकार से च शब्द अधिकरणम नवमं द्रव्यम, इस प्रकार से जब क्या बचा अपने दीप काल मन आत्मा ये चार नहीं हो पाया और पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये दिव्य शब्द उनका आश्रय नहीं होगा तो आपके पास बचा क्या? आकाश परिशेष, आकाश ही शब्दों का आश्रय है, इसलिए बोलते हैं इत्थम च शब्द अधिकरणम नवमं द्रव्य गमनात्मक क्षेत्रम, इससे नवम द्रव्य गमन है वही शब्द उनका आश्रय ही शब्द है। शब्द प्रयोग किया तो शब्द को प्रसंग क्या था उसको नहीं छोड़ना है, प्रसंग ये बोल दिया था कि जैसे पृथ्वी के ऊपर आप आकाश दिखाई पड़ते हैं इसी प्रकार पेट के अंदर भी वही आकाश है ना, इसलिए मतलब क्यों बोल रहे जैसे आधिदैविक में जो तत्व बैठा हुआ आध्यात्म में भी वही तत्व बैठा हुआ है, द्वयोर द्वयोर मधु ज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशित, ये दोनों एक दूसरे का मधु है, पृथ्वी जीव के लिए मधु है, जीव पृथ्वी के लिए मधु है, क्योंकि पृथ्वी को हम भोग करते हैं और जीव के कर्मों से पृथ्वी हम उत्पन्न होते हैं, इस परंतु चाहे एक दूसरे में भिन्नता दिखाई पड़ती है दोनों के अंदर जो चेतन तत्व बैठा हुआ है वो चेतन तत्व के लिए वो चेतन तत्व में भिन्नता नहीं, आदि देवी का अध्यात्म जो चेतन तत्व एक ही है, इसको दृष्टांत के समझाने के लिए क्या दृष्टांत दिया, जैसे पृथ्वी के ऊपर आपको आकाश दिखाई पड़ता है अध्यात्म पेट के अंदर जो आकाश दिखाई पड़ता है एक ही आकाश है, इस प्रकार आकाश का भी सूक्ष्म वस्तु उससे भी कारण आत्मा इसी प्रकार जो है बाहर अंदर एक ही आकाश एक ही तत्व जाता है, कि एक तैतरीय उपनिषद के आधार पर कृष्ण सत्यत्व नहीं है उसका अधिष्ठान परम ब्रह्म सत्य तत्व है, उसके बारे में आपको उपस्थित नहीं है, मुख्य चीज को नहीं छोड़ना है,
ठीक उसी प्रकार से ये भी दिखाई दे, आकाश में कुछ भी दिखाई दे, वो कोई पारमार्थिक तत्व नहीं है, पृथ्वी के अंदर भी महान पृथ्वी भी जो तत्व बैठा हुआ है, अंदर भी पांच गुण में वही तत्व बैठा हुआ है, वो एक ही तत्व, वही तत्व संख्या के तत्व का विचार है, वो पारमार्थिक को समझाने के लिए यहाँ पे बच्चा था। जैसे आकाश प्रकाशित होते हैं अंदर बाहर, इसी प्रकार इस आकाश के समान ही अंदर बाहर एक शुद्ध आत्मा ही प्रकाशित हो रहा है। आकाश के कारण मेरा भर करता है कि अविद्या से आविष्कार। अब क्या हो गया, अब बोलते हैं देखिए इतश्च एकत्व स्तुति नाम तात्पर्य इस कारण से भी, मतलब एक जीव ब्रह्म की एकत्व ये पारमार्थिक सत्य है, अदालते पुस्तक पारमार्थिक सत्य नहीं है, इस कारण से भी है ना तर्कित के लिए उनका दे रहे हैं। इतस्य एकत्व श्रुति नाम तात्पर्य, इस एकत्व को प्रतिपादन करने में श्रुति के तात्पर्य है, यानी कि आपको पूछे श्रुति की प्रतिपाद्य विषय क्या है, समस्त श्रुतियों की प्रतिपाद्य विषय क्या है, जीव ब्रह्म एकत्व, ठीक है ना। परंतु वहाँ पर जो उपासना कर्म ज्ञान और आपका सृष्टि आदि का कई वर्णन होगा, परंतु उसमें तात्पर्य नहीं है, जो आपको नहीं दिखाई देता है कि एकत्व हो उसी में तात्पर्य है, ठीक है। जो तेरह नंबर के लिए उपलब्ध एकत्व श्रुति नाम तात्पर्य, इस कारण से भी श्रुतियों की तात्पर्य एकत्व बोध में है, इसको मंत्र करके बोलते हैं। अब सारे श्रुति की लेना है, नहीं तो इधर प्रस्तावन की या बोधार्थ में की लेना है, श्रुति नाम से श्रुति नाम है समस्त सारे श्रुतियों में, सारे श्रुतियों में निर्वर्ण करते हुए एक दृष्टांत के समस्त श्रुतियों में ही जीव को दिखा करके उसी में ही ब्रह्म का भी प्रतिपादन करते हैं। अब ध्यान से देखिए श्लोक को देखिए, जीवात्मनोरनन्यत् मभेदेन प्रशस्यते, मभेदेन प्रशस्यते नानात्वं निन्द्यते यच्च, नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम्, तदेवं हि समञ्जसम् प्रशस्यते निंद्यते जीव और आत्मा की जो अभिन्नता, जीव और आत्मा की जो अभिन्नता है, वो अभिन्नता जो है तो अभिन्न है, उसका अभिन्न दृष्टि से देखेंगे तभी जाकर के वो समझ वो यथार्थ हो पाए। श्रुति ने युक्ति से जीव और परमात्मा की एकत्व को जो है दिखाती है और जो है इसको प्रशंसा भी की गई है ना, हर जगह पे देखना एकत्व को निधान करते हैं और भेद को निंदा करते हैं, जिसकी प्रशंसा की जाती है वो विधेय है और जिसकी निंदा की जाती है वो जो है निषिद्ध है, वो नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि जीवात्मा जीव और जीवात्मा और परमात्मा दोनों का अनंत मतलब अभी तक जीवात्मा परमात्मा जो अभी तक को इसके साथ में जो अभिन्नता को जो है क्या हुआ कि एकत्व दृष्टि से देखोगे तब जाकर के वो जो है वो इसीलिए उसमें वो प्रशंसा एकत्व दृष्टि की प्रशंसा की गई है और भेद दृष्टि की निंदा की गई है। उपनिषदों में एकत्व दृष्टि की प्रशंसा की गई है, भेद दृष्टि की निंदा की गई है। ये आप इसके मानने से क्या होता है, इस एकत्व ही पारमार्थिक सत्य है ये मानने पर ही इस प्रकार की बात को सामंजस्यपूर्ण होकर युक्तिपूर्ण समझ में आता है, युक्तिपूर्ण हो जाता है, न्याय संगत होता है। इसलिए आप बोलते हैं जीवात्मा अनंतम, जीवात्मा और परमात्मा की जो अभिन्नता है वो जब एकत्व दृष्टि से देखा जाएगा तब वो प्रशंसनीय होता है, क्योंकि श्रुति के द्वारा भिन्नत्व को नानत्व को निंदा की गई है। इस प्रकार से श्रुति श्रुति वाक्य युक्ति संगत हो जाता है, युक्ति संगत हो जाता है। वहाँ पर देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, अभिदेन ब्रह्म वेद ब्रह्मेन भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, मुझे उपनिषद का वाक्य ब्रह्म वेद ब्रह्मेन भवति टीका देना ब्रह्म भाव भाव फल वाद प्रशंसा की गई है। यदि आप इसको जानोगे तो आप क्या हो जाएगा, व्यापकता का असंगता आपको प्राप्त कर जाओगे। इस प्रकार फल कथन के द्वारा एकत्र दृष्टि की प्रशंसा की गई है,
है ना, फल का खाते एकत्र दृष्टि की निंदा तो भेद दृष्टि में तो सीधा सीधा निंदा करते हैं और एकत्र दृष्टि प्रशंसनीय कैसे पता लगा, फल का संकेत, फल का संकेत का पता लगा। इसलिए बताए अभेदेन ब्रह्म वेद ब्रह्मेद भवति इत्यादि रूप है ना, जीवात्मन अनन्यत्वम अभेदेन, अभेदन मतलब कि फल कथन के द्वारा उसकी अभिन्नता दृष्टि को प्रशंसा की प्रशंसा किया जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मणि भवति इत्यादेन ब्रह्म भाव फलवादेन इति अर्थ, ब्रह्म भाव को प्राप्त करने पर फल कथन के द्वारा इसका अभिप्राय है। वहां पर किस पर निर्भर कर रहे हैं, तीन नंबर चित्र पर फल यदि अभेद ज्ञान से फल, फल क्या है अभिन्नता के ज्ञान एक तत्व के होते ही इसका फल है वही मुक्ति है। जब प्रशस्य न्याय है, जब प्रशस्यते तद विधियम इत्यादि न्याया एकत्र दर्शने फलवाद उपपत्ति उपलब्धा एकत्र प्रशस्तत्वा विवक्षितम इति भावः, एक न्याय है। क्या न्याय बोल रहे हैं, जब प्रशस्यते तद विधेयम, जिसकी प्रशंसा की जाती है श्रुति उसको विधान करना चाहिए। अगर प्रशंसा किसके लिए, फल कथन के द्वारा एकत्र दृष्टि की प्रशंसा की, यानी कि एकत्र दृष्टि करने के लिए श्रुति का विधान करना चाहते, जब प्रशस्यते तद विधेयम इत्यादि न्याय, इस प्रकार की न्याय से एकत्व दर्शन है फलवाद, एकत्व दर्शन के साथ जो फल कथन किया था फलवाद और युक्ति भी दिखाया, क्योंकि एकत्व व्यक्तियों द्वितीयात्म भय भवती भेद बुद्धि से भय होता है राग देश होता है और एकत्व की दृष्टि से शांति शांत शिवम अद्वैतम अद्वैत दृष्टि कल्याणकारी है मंगलकारक है। युक्ति संगत भी हम भी दिखाई देते हैं जब हम अकेला बैठा अपने में ध्यान करते हैं अपने में रहते हैं, जब द्वितीय के साथ द्वितीय से व्यवहार करते हैं तभी जाकर के सब कुछ शुरू होता है। इसी जाकर बोलते हैं यद प्रशस्यते तद विनियम इत्यादि न्याय एकत्व दर्शन फलवाद उपपत्ति उपलम्भ, एकत्व दर्शन में फलवाद अर्थ फल कथन और युक्ति के द्वारा है ना, हम तात्पर्य निर्णय छह बिंदु में क्या क्या है, अपूर्वता फल अर्थवाद उपलब्धि, तात्पर्य निर्णय एकत्व दर्शन के तात्पर्य फल कथन और उपपत्ति युक्ति भी कथन करता है। फलवत उपपत्ति उपलब्धा उपलब्धा इस प्रकार उपलब्धि होने के कारण एकत्व प्रशस्तत्व एकत्व दृष्टि प्रशंसनीय होने के कारण विवक्षिता वही बोलना शुद्ध की अभिप्राय है, विवक्षिता वृद्धि भाव ये लगता था। यहाँ की चार नंबर टिप्पणी निकल कर रहे हैं फलवाद फल यदि फलवाद से उपपत्ति ठीक है ना, दो शब्द फलवाद उपपत्ति एक हो गया फल कथन और तात्पर्य निर्णय लिंग में ये दोनों आते हैं, किसी का तात्पर्य निर्णय करते हुए फलवाद तयोर उपलब्धा इन दोनों को उपलब्धि होने के कारण एकत्व दृष्टि प्रशंसा भी है ये कहना चाहते हैं। वही स्थिति प्रतिपाद का विषय है जच्च अनिकत्व सर्व प्राणी साधारण तब निंदमान दृश्यते ठीक है ना, और इसका विपरीत जो भेद दृष्टि है वो सभी प्राणी शास्त्र नहीं पढ़ने पर भी समझ जाते हैं। जब से अनेकत्व है ना, अनेकत्व मतलब भेद दृष्टि वाला भी अलग गुण वाला भी अलग इस प्रकार की जो बोध है और वो सर्व प्राणी साधारण वो शास्त्र पढ़े चाहे ना पढ़े सभी प्राणी को वो मुझसे भिन्न है वो अलग है वो अच्छा है बुरा ये सभी प्राणी साधारण है, इसकी जो है तब निंद मानव जिसके निंदा करके सिद्ध को दिखाई पड़ती है, श्रुति इस प्रकार भेद दृष्टि की निंदा करती है। इसीलिए ये भी न्याय है उन्होंने यद निंदते तद निषिद्धते यद प्रशंसते तद विधीय यद निंदते तद निषिद्ध है, जिसको निंदा किया जाता है वो निषिद्ध है वो नहीं करना चाहिए है ना। इसलिए होता है यद निंदते तद निषिद्धते इति न्याया नानात्म शास्त्रार्थ न भवति, इस युक्ति के कारण नानात्म का प्रतिपादन ये शास्त्र की विषय नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि शास्त्र उसको निंदा करते हैं, इसमें शास्त्र का प्रतिपादन विषय नहीं है और समस्त प्राणी सामान्य रूप से जानी समझ ही जाता है कि भिन्नता है, उसके लिए कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो समझा अपना रहा था आपको कि दूध वाला आया भगवान बताओ तुम ब्रह्म हो कि नहीं, अरे महाराज आप मेरे को ऐसा की बोझा पाप मत करना, मैं आपके भिन्न है भगवान अलग है, ये दूध वाला है उसको भी यही बोला भगवान बाबा तुम ब्रह्म हो, नहीं नहीं महाराज मैं कैसे ब्रह्म हो सकता, मैं तो सामान्य
आप बोलते बोलो देखो संसार पर पानी साधारण हम इसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र तो उसके लिए है जो सामान्य बुद्धि में नहीं बैठा, शास्त्र को सूक्ष्म बोलते इसलिए जब निंदा के तब निषिद्ध है, जिसकी निंदा की जाती है उसको निषिद्ध को निषिद्ध है। क्योंकि न्याय आपकी युक्ति के कारण नानात्म शास्त्र को न भगवती जब तक शास्त्र ने उत्पत्ति दिखाया अलग करके दिखाया, क्या दिखाया ये ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, ये वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, इस प्रकार दिमाग गया है। श्रुति अपने आप जाकर के बात उसकी निंदा कर देती है, इसीलिए वो शास्त्र प्रतिपाद तो नहीं, शास्त्र के प्रतिपाद का भाव नहीं हो सकता है। नानात्म शास्त्र तथा भगवती क्या हो इसको देखा कि श्लोक की जो सेकेंड लाइन में प्रतीक है ना, नानात्म निंदते गच्छ तदेव हि समञ्जसम्। नानात्म को लेकर के यहाँ पे कहा अब क्या हो गया कि एक एक को निंदा की गई है, एक को प्रशंसा की गई है। तो जो प्रशंसा की जाती है वो विधेय है, जो निंदनीय है और निषिद्ध है। तो शास्त्र के तात्पर्य किसमें होगा एक तब इस प्रकार से इस न्याय की सामंजस्य तभी हो सकता है यदि एकत्व को आप शास्त्र वाक्यों में एकत्व प्रतिपाद मतलब जागतिक वस्तु को मिथ्या मान करके व्यवहारिक पारमार्थिक ब्रह्म सत्य की मान्यता दोगे, तभी इस प्रकार की श्रुति वाक्यों में सामंजस्य बैठेगा। शब्दों के द्वारा मृत्यु समृत्यु सीधा सीधा कथन के द्वारा निंदा करते हैं नानात्व दर्शन का। जब वो भया ये दोनों क्या दो भया एकत्व प्रशंसन एक क्या क्या एकत्व अभेद दृष्टि की प्रशंसा थी और नानात्व निंदनम च और भेद दृष्टि की निंदा की गई श्रुति के द्वारा। एकत्व में शास्त्र से क्या सिद्ध हो जाए, शास्त्र प्रतिपाद्य वेश क्या है एकत्व, एकत्व की वो एकत्व की प्रतिपाद्य नहीं शास्त्र के अभिप्राय है। एकत्व शास्त्रीय अभ्युत ऐसा मान्यता देने पर ही शास्त्र युक्ति संगत हो सकता है। लेकिन क्या अद्भुत सभी व्यक्ति ने एक ही शास्त्र को पढ़ा, सांख्य जो पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा यही वेद को ही पढ़ा। अब वेदांत क्या देखा कि एक चीज को प्रशंसा किया जा रहा है, एक चीज को निंदा किया जा रहा है। भेद दृष्टि की निंदा करना, एकत्व दृष्टि की प्रशंसा करना तो क्या है वो एकत्व की जो अनुभव करो उसी से परम प्राप्ति है। भेद को तो कुछ होता है पहले व्यवहार में भेद को रखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि के साथ ने जो कर्म विधान किया उस कर्म को करके अंतकरण युद्ध करके एकत्व को प्रतिपादन करने श्रुति की अभिप्राय था, तब जाकर के आत्यंतिक दुख की वृद्धि होती है। इसलिए अभी बोलते हैं तब उभय एकत्व प्रशंसनम नानत्व निंदनम च एकत्वमेव शास्त्रीय इति अभिप्रगम्यति। इसलिए शास्त्र अभिप्राय तो एकत्व में है, इस प्रकार मानने पर ही युक्तम शास्त्र युक्ति शास्त्र की इस प्रकार के कथन सामंजस्यपूर्ण होता है। शास्त्र के इस प्रकार की मतलब एकत्व की फल कथन के द्वारा स्तुति और भेद दृष्टि की फल कथन मतलब निंदा इसके द्वारा तभी सामंजस्य पूर्ण हो सकते हैं जब आप एकत्व पारमार्थी और भेद प्रतिभाषी का ये मानते थे एक तदेव भी सामंजस्य ठीक है ना। यही ऊपर श्लोक में जो आया हो तदेव इस प्रकार से इस तब जाके शास्त्र सामंजस्य पूर्ण हो सकता है। आप बोलते हैं श्लोक अक्षराणि व्याजस्य श्लोक की अक्षरों को आयुर्वेद को व्याख्या करते कौन भगवान भाष्यकार व्याजस्य भगवान भाष्यकार। अब आगे ये ऊपर जब युक्तित श्रुतितस्य निर्धारितम है ना, जिसको युक्ति के द्वारा और श्रुति के द्वारा श्रुति से श्रुति के आधार पर और युक्ति के आधार पर जिसका निर्णय किया गया है, क्या निर्णय किया गया जीवस्य परस्य च आत्मनो जीवात्मा और परमात्मा इस बात में जीवात्मन हो इसी का मूल भाष्य में मूल क्या श्लोक में जीवात्मन हो इसको बोलते हैं जीवस्य परस्य च आत्मनो जीवात्मा परमात्मा अनन्यता मतलब अभिन्नता ठीक है ना। अभिन्नता अभेदेन प्रशस्यते अभेदन मतलब एक रसत्वेन विवक्षते है ना, एक रस ही बोलना श्रुति की विवक्षा होने के कारण इति जावत अभेदेन प्रशस्यते। एक नंबर टिप्पणी दी गई कर अभेदन मतलब अभेदन
एक रस विवक्षते, मतलब एक रस एक अमूल्य रस एक तत्व है और वो प्रज्ञान धन आनंद धन इस प्रकार एक ही तत्व पारमार्थिक सत्य है, इसको मानने पर ही क्या करके जीव ब्रह्म से एकत्व सिद्ध हो जाता है। इसलिए बताए जीव ब्रह्म के एकत्व चैतन्य रस अथवा आनंद रस पूर्णता की रस एक रस ही है, ठीक है ना, तीनों एक ही है, पूर्णता से आनंद है और चेतन चेतन तत्व आनंद का अनुभव कर सकते, इसको चेतन ये भिन्न वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु है, भिन्न मानता से हमारा पूर्णता का आनंद एक रसत्वेन विवक्षते इति यावत् प्रशस्यते मतलब स्फूयते शास्त्र न शास्त्र के द्वारा मतलब स्मृति और सुने के व्यासादिभिश्च केवल मतलब उपनिषद में नहीं जो हमारा स्मृति ग्रंथ है जिसका प्रवर्तक हम जानते हैं वो लोग के द्वारा भी जो है क्या किया गया है फिर दर्शन की निंदा और एकत्व की प्रशंसा की गई है व्यासादिभिश्च जो हमारे स्मृति अनुकूल जो स्मृतियाँ हैं वो भी एकत्र दर्शन को प्रशंसा करते हैं भिन्न दर्शन की निंदा करते हैं। जब सर्व प्राणी साधारण जो समस्त प्राणी में समान रूप से अनुभव में आता है स्वाभाविक अभाव उसके लिए उसको साधन ही बनने पड़ता है अज्ञान के कारण स्वाभाविक मतलब आवित्तक अज्ञान के कारण जो दिखाई पड़ते हैं दोनों बच्चों का स्वाभाविक मतलब आवित्तक अवित्त से संबंध रखने रख करके शास्त्र बहिष्कृत ही जो शास्त्र के अभिप्रेत अर्थ को छोड़ दिया उन लोगों के द्वारा कौन है पूता है कि देखिए विरचिता वो अंदर जो केवल मात्र करते के द्वारा अपने विशेषता को शुद्ध करना चाहते इस प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है विरचित नानत्व दर्शनम निंदा जब भेद दर्शन को स्तुति के द्वारा निंदा की जाती है नानत्व दर्शनम निंद्यते मतलब निंदा की जाती है उसमें निंदा किया जाता है निंद्यते भी जब शब्द रूप कमल मतलब यहाँ पे क्या बात जब सर्व प्राणी साधारण स्वाभाविक शास्त्र बहिष्कृत पूता के विरचित नानात्म निंदते जो नानात्म तब निंदते जब से शुरू किया ये जो पूता के द्वारा बनाया गया है भेद दर्शन तदुपरी भाषण लोग जो अपने सिद्धांत को बनाया उसको जो इस प्रकार सिद्धांत को बनाया उसको शास्त्र वालों के द्वारा निंदा की गई उसके बोलते हैं निंदते कैसे पता लगा आपको निंदा करते हैं बोलते देखो सूर्य ऐसा बोलते हैं ना तो दिव्यम अस्थि उस आत्मा से भिन्न करके उज्जवल तो वस्तु है ही नहीं नक्षार देश दिव्यम अस्थि यदि ब्रह्म अच्छा दिव्य आप कोई भय भगवती एक चार दो है ना भेद बुद्धि से हमें भय होता है दिव्य भेद बुद्धि से भय उत्पन्न होता है वहाँ आता है वेदांत ऐसा जो ब्रह्म तम परागाज अन्यत्र आत्मन ब्रह्म वेद छत्र तम परागाज अन्यत्र आत्मन छत्र वेद अपने से भिन्न करके जो ब्रह्म छत्र वो किसी को भी देखता है सर्वम तम परागा वो उसके द्वारा पराजित हो जाता है तब जाता है जिससे वो जिसको वो अपने से भिन्न करके देखता है पराजित मतलब दो ही है या तो रहा था देश यही पराजय है और इस ऊपर उठे ना कि आप पूछे हैं इसीलिए आप बोलते हैं कि दिव्य आप कोई भय भगवती वेद आपके ठीक चार को उदरम अंतरम को ज्ञात कक्ष भय भगवती जो इस एक रस तत्व में थोड़ा सा भी भेद देख उदरम अंत थोड़ा सा भी भेद देखते हैं ना अतः कक्ष भय भगवती निश्चित उसको भय नहीं करे यही तो क्वेश्चन है दो साधे इदम सर्वम जगयम आत्मा मैत्री ब्राह्मण मैत्री ब्राह्मण वेदांत का कितना बार आया है दो बार एक हो गया दो चार तीन पाँच
हम लोगों को ढूंढना मुश्किल पड़ता है। भगवान क्या है भाष्यकार को देखिए जहाँ जहाँ भेद दस ठीक उतना ही सौ का मृत्यु मृत्यु मात्रा की वो व्यक्ति एक मृत्यु से पहला मृत्यु पंचमी और दूसरा मृत्यु दे दिया उसका भी करता है वो व्यक्ति एक मृत्यु से दूसरा मृत्यु को प्राप्त करता है। प्राप्त नाना श्रुति आपने अब नाना के साथ युवा लगा करके बोल रहे जहाँ पे नाना नहीं है वहाँ पे नाना तो को देखता है उस व्यक्ति एक मृत्यु से दूसरा मृत्यु को लगातार प्राप्त होता है। इत्यादि वाक्य ही इस प्रकार वाक्यों के द्वारा इसकी निंदा की गई और फिर दृष्टि की निंदा की गई है इसलिए यानी कि एकत्व दृष्टि विजय है और भेद दृष्टि निंदीय निषिद्ध है। इस प्रकार से श्रुति एवं ही सामंजस्य इस प्रकार से स्तुति वाक्य को आसानी से समझा जा सकता है। समझना ऋजु अवबोधन सरलता से समझा जा सकता है। चित्त सुंदर युक्ति दिया जिसको विधान किया जाता है जिसको निंदा किया जाता है वो त्याज्य है और जिसको प्रशंसा किया जाता है वो ग्रहणीय है। इसलिए यहाँ पे जो है कि एकत्र दृष्टि यहाँ पे विधेय है ऋजु अवबोधन न्याय जो आसानी से समझ में आता है उसको ग्रहण करना है गुरु के संकल्प होता है। अब देखिए वेदांति बोलता है जिसको सरलता से समझा जाता है और भेद भेद दृष्टि वाले बोलते हैं कि दैवयोग समझने कठिन पड़ता समझने कठिन पड़ता क्योंकि जो भेद दृष्टि इतना गहरा बैठा हुआ है तो भारी वस्तु से मन उठता ही नहीं बैठा होते ही नहीं मानने को तो ना समझना है भेद को बचा के रखना चाहते हैं इसका भेद देते हैं। यहाँ पे भी एक टिप्पणी दिखाई पड़ रहे जब चेत तब एवं ही समंजसम अवबोधन न्याय ऋजु अवबोधन ठीक है ना मतलब सुख अवश्य आसानी से निश्चय किया जा सकता सुख अवश्य मतलब आसानी से निश्चय किया जा सकता इसका यास्तु तार्किक परिकल्पिता कुदृष्टय मतलब केवल तर्क के आधार पर सिद्धांत तो बनाएगी जो तार्किक व्यक्ति दार्शनिक के द्वारा जो भेद दृष्टि कुदृष्टि मतलब भेद दृष्टियाँ है ता अन्विच वो जो है मतलब अन्विच जो है सरल नहीं है निरूपणायाम न घटना प्रांजलि यदि आप तत्व को निरूपण करके जाओगे तो सत्यत्व को प्राप्त नहीं कर सकते घटनाम प्रांजलि उस प्रकार होना संभव नहीं है क्योंकि अभिप्राय की इसके अभिप्राय किसका अभिप्राय है तदेव अभी सामान्य सब इस प्रकार मानने पर ही आपका सूची बात को सामंजस्य पूर्ण होता है। तो देखिए हम तो जास्तु तार्किक परिकल्पिता जो तार्किक को द्वारा परिकल्पना किया गया क्या कुदृष्टय मतलब भेद दृष्टिया अभिप्राय कई प्रकार से भेद भेद है हम अपने व्यवहार को समझेंगे पारमार्थिक रूप से समझ नहीं पाएंगे। यहाँ भी देखिए एक दो नंबर तीन नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रही अनुविच्छय विभक्ति वचन क्या है और फिर इसका प्रतिपदी क्या होगा यहाँ पे क्या लिखा है देखो अरे वो तो आप तो मैं नहीं पूछना हूँ क्या पूछना हूँ इसकी प्रातिपदिक क्या है इसमें कौन सा विरक्ति वचन है और अनविजु
तो अन ऋचु उकारांत शब्द होगा, तब उसका विभक्ति वचन क्या है आगे क्या होना चाहिए? अरे भाई ऊपर कहाँ पंचम षष्ठी दिखाई पड़ गया, चाकु तार्किक परिकल्पिता को दुष्टय प्रथम भूवचन मैं क्या देखो इधर उधर मत जाओ, इसलिए मुझे ध्यान पंक्ति को ध्यान दो तब क्या क्या पर्थ लगेगा। जहाँ तू तार्किक परिकल्पिता को दृष्टय यह तो समझ में आता दृष्टि का प्रथम भूवचन का है हरि हरि हरे दृष्टय ता अनविज्जु। तो ये जो प्रथम भूवचन होना चाहिए, अब बताओ यहाँ पे अनविज्जु ये कैसे बन सकता है, क्या प्रतिपदिक होने से अनविज्जु बन सकता है? लास्ट में आपको युकार दिखाई पड़ रहे हैं और साथ में विसर्ग व्यवहार भी दिखाई पड़ रहे हैं, लास्ट में युकार दिखाई पड़ रहे हैं, तो लास्ट में युकार कब आएगा? अब भाई नदी नद्यो नद्य दीर्घ इकार, हाँ दीर्घ इकार है, अच्छा ह्रस्व इकार होता तो मति मति मतय हो जाता, हरि हरि हरे हो जाता है, दीर्घ होना चाहिए। तो अनविज्जुवी प्रतिपदिक है अनविज्जुवी, अनविज्जु अनविज्जु मतलब हो गया सरल, और अनविज्जु मतलब सरल नहीं है, और उसका दृष्टि स्त्रीलिंग है, उसका विषय बनाना है आपको, इसको स्त्रीलिंग में बदलना है, गीत आया हुआ है गीत आ गया इसके तो जगह इकार को अनविज्जुवी प्रतिपदिक बन गया, मतलब और नौ में लिखार की मात्रा ज और व में दीर्घ लिखा जुवी अनविज्जुवी भावना नहीं है, हम व्याकरण में सीख रहे हैं, आपको थोड़ा सा एक कविता आप अपने पत्थर लगा पाएंगे इसकी प्रतिपदिक क्या है ना, ये इकारांत दीर्घ इकारांत शब्द है ना, आप प्रथम बहुवचन है, इनको ऊपर से देखो जहा इसमें तार्किक परिकल्पित अनविज्जुवी शब्द है उसका प्रथम बहुवचन, यदि नद्यो नद्य विसर्ग है आगे आगे नंबर को देख करके विसर्ग होगा, हसी का शुरू होगा तो वो गुण हो गया, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे अनविज्जु दो नंबर जो है अन्याय वो युक्तिहीन है अन्याय, ठीक है ना। यदि आप इसका इंप्रेक्ट है निरूप्य माना कब लगेंगे उसको जब आप निरूपण करते रहेंगे विचार पूर्वक निश्चय करते रहेंगे, न घटना प्रांचति, घटना मतलब हो जाए घटना मतलब संभव नाम न प्रांचति गच्छति, ऐसा होना संभव ही नहीं होगा, कर्म फल की शंकर जो जन्म मृत्यु की अवस्था बताई सारा चीज जो आपके पक्ष में आगे बैठ जाएगा मिला नहीं पाऊंगा। आपने क्या किया प्रकृति को भी अनंत माना और पुरुष को भी अनंत माना, समस्त मन का समस्त पुरुष के साथ संबंध हो जाएगा, अब कैसे आप शंकर से बच पाओगे बताओ। इस प्रकार से यहाँ पे संभावना को प्राप्त नहीं करता, संभव होना संभव नहीं है अभिप्राय। अब आ जाइए ग्रंथि का श्लोक अक्षराणी पढ़ दिया किसका बेटा आगे देखिए अनन्त अभाव संतम व्यावत्य एक सत्यम दर्शयती, अनन्त अभाव संतम व्यावत्य अनन्त मतलब अभिन्नता, अनन्त मतलब भिन्नता, अनन्त मतलब अभिन्नता, ये अभिन्नता की अभाव मतलब भिन्नता, अभिन्नता की अभाव की शंका को निषेध करते हैं, अभिन्नता की अभाव की शंका को निषेध करते हैं मतलब भिन्नता, अभिन्नता की अभाव मतलब भिन्नता, ये भिन्न है इस प्रकार शंका को निषेध करते हैं। अनन्त अभाव शंका व्यावत्य व्यावत्य एक रसंका, ये सारा सब कुछ एक रस है, भिन्न नहीं है, यहाँ पे सभी के अंदर इसके अंदर रस मतलब इसके अंदर अनुसूत एक तत्व है जो एक पहली प्रकार के उसको दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं अभेदेन प्रशस्यते, अभिन्नता से ये सामंजस्य पूर्ण बनता है और अभिन्नता की दृष्टि को श्रुति के द्वारा प्रशंसा की जाती है। छह नंबर टिप्पणी विद्या
अनन्नत अभाव इति अनन्नतम अनन्त अभाव अनन्त 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 मतलब क्या हो गया अनन्त की अभाव अनन्त मतलब क्या हो गया अनन्त की अभाव हाँ अनन्त मतलब अनन्त अभाव रूपम भवे यहाँ पे अभेद की अभाव है भेद की अभाव होना चाहिए ऐसा शंका यहाँ पे शंका उठा नहीं नहीं भेद की अभाव नहीं है भेद है आशंका नीति अर्थ नहीं कहते ये हो सकता है टिप्पणी का तो अनन्नत भाव शंका यहाँ पे भाव पाठ भाव यदि पाठ हेतु अनन्नतम उभयो धर्म इसलिए भाव यदि पाठ है ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे क्या लिख रहा है अनन्नत आपके पुत्र में क्या पाठ है भाव है कि अभाव है अभाव आकार की मात्रा है हो सकता है टिप्पणी का कोई पुस्तक है आभा अभाव मंत्र मिला हुआ दो पुस्तक वो लोग तो कहे पुस्तक एक साथ पढ़ते हैं कहीं तो भावात्मक मिला कहीं अभावात्मक मिला तो बोलते हैं कि भाव यदि पाठे तो अनन्नतम उभयो धर्म से मतलब सभी के अंदर एक अभिन्नता की धर्म को ये कॉमन चीज है ये होगा यदि आसान को यदि ऐसा कहते हैं यदि अर्थ इसका अभिप्राय है उस शंका को निराकरण करने की नहीं सभी के अंदर एक शब्द बैठा हुआ सभी के अंदर एक सच्चिदानंद समान रूप में बैठा हुआ है अभेदेना प्रशस्यत अभेदेना मतलब कि उसके फल कथन के द्वारा एकत्व दृष्टि के फल कथन के द्वारा अभिन्नता की प्रशंसा की जाती है सभी तत् प्रशस्यते शास्त्रेना इति तत्पदम आदाय व्याख्येय ये जो है ना प्रशस्यते अभिन्न तत् प्रशस्यते अभिन्नता के लिए तत् प्रशस्यते किसके द्वारा शास्त्र के द्वारा जीवात्मन और अनन्नतम अभेदेन प्रशस्यते जीव और आत्मा की अभिन्नता अभेदेन मतलब एक असत्य के रूप में फल कथन के द्वारा उसको प्रशंसा की जाती है तत् प्रशस्यते शास्त्रेन इति उस एकत्व दर्शन को शास्त्र के द्वारा प्रशंसा की जाती है तत्पदम आदाय व्याख्या तत्पद के बीच में जोड़ करके अर्थ करना अच्छा है तत्पदम आदाय व्याख्या है ना जो एकत्व दर्शन है उसको स्तुति ने प्रशंसा की है जो एकत्व दर्शन है उसको प्रशंसा किया जाए इसलिए जब अर्थ संबंधित तत्पद आदाय तत्पद को उठा करके व्याख्या करना पड़ेगा अभेदेन तत् अभेदेन प्रशस्यते यहाँ पे सात नंबर टिप्पणी में देखिए अभेद ज्ञान निमित्त को फल कथन है ना अभिन्नता के ज्ञान के फल स्वरूप क्या होता है जन्म मृत्यु के बंधन छूट जाता है एकत्व दर्शन के फल क्या है जन्म मृत्यु समस्त दुख का आत्यंतिक निवृत्ति मृत्यु स्वरूप की प्राप्ति इस फल कथन के द्वारा अभेद ज्ञान निमित्त को फल कथन है ना अवैध ज्ञान की निमित्त से जो फल है उस कथन के द्वारा एकत्व दर्शन की प्रशंसा की जाती है और आदाय आदाय मतलब अध्यभित्य उस पद को ऊपर से जोड़ करके अध्ययन करके अर्थ करना चाहिए आदाय दाधा को पत्र क्या होता है तो आ लग जाए फिटे जैसे जैसे पढ़ा होता है वम धातु का अर्थ क्या होता है तो आग अच्छे के मतलब क्या हो जाएगा आना है ना ठीक है उसका अर्थ हो दा देना तो आदान मतलब देना इसलिए आदाय मतलब अध्याय तो उसका अर्थ आप क्या देखेंगे एक ही पूर्ण बचा होगा पूर्ण विवाह विशिष्ट एक ही पूर्ण इसको बोलते हैं तब पदों आदाय व्याकरण पद को ग्रहण करके व्याख्या करनी चाहिए शास्त्रेन अभेद वेदनेन फलवादेन शास्त्र के द्वारा भाष्यकार क्या लिखा प्रशिष्यते स्तूयते शास्त्रेन अच्छा की पंक्ति में तो शास्त्रेन पद का अर्थ करते हैं पंडिका का शास्त्रेन अभेद वेदन अभिन्नता की बोध के द्वारा शास्त्रेन अभेद वेदनेन फलवादेन मतलब अभेद की बोध और उसके फल कथन के द्वारा इस शास्त्र ने अभिन्नता दर्शन की प्रशंसा की है नौ नंबर टिप्पणी को देखिए अभेद विद्यते विहायते अनेन इति विग्रह अभेद वेदनेन अभिन्नता की बोध मतलब करवाया जाता है जिसके द्वारा वो हो गया अभेद वेदन नौ नंबर टिप्पणी है ना अभेद वेदनेन पहले वेदन और उसका तृतीय एकवचन वेदनेन अभेदो विद्यते विहायते
अभेद का अभेद यहाँ पे है जिसमें समझ में आता है अनेना इसके द्वारा हो गया अभेद अभेद की संरचना के लिए करते हैं इसी प्रकार जाके विग्रह करना पड़ेगा शास्त्रीय अभेद फल वादे फल कैसे अभेद को बोध कराया फल कथन के द्वारा फल अभेद अभिन्नता के ज्ञान से ऐसा फल कथन किया कि जो फल कथन क्या कहते हैं आपको जन्म मित्र के बल बंधन से छूट जाता है ब्रह्म में तो ब्रह्म ही फल है ना विविध विषय धर्म राजनीति